हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को फिटगिरी का फायदा बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, मैं फिटगिरी का वो फायदा बताऊंगा जिसे अभी तक के शायद किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा। और मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि वीडियो को अपने फायदे के लिए एक बार पूरा जरूर देखना, क्योंकि कोई भी जो जानकारी होती ना वो व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आ सकते हैं। तो अपने फायदे के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखना, और थोड़ी भी जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। हमारे चैनल का मकसद है कि आप सब हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा निरोग रहें। आप सभी मित्रों को फ्री में आयुर्वेद की जानकारी हूँ। हो सकता है आज की इस वीडियो में जो आप लोगों को प्राकृतिक उपचार सिखा दूं फिटगिरी से, ये भविष्य में काम आ जाए। और आयुर्वेद के जो पुराने ग्रंथों में ये लिखा गया है कि गौ माता के दूध में रुई भी गोए आप, चूर्ण फिटकरी बांध दिए मिटे आँख का ताप, यानी कि आँख के ताप मिटाने के लिए इससे दुनिया में सरल औषधि आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो आज का आयुर्वेदिक फायदा को और भी विस्तार से जानते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला है दोस्तों, ये संकोचन काम करता है, यानी कि खून को बंद करता है। अगर खून बह रहा है, ज्यादा रुक ही नहीं रहा है, किसी कारणवश अगर गलती से हथियार से कट गए हैं, तो फिटकरी को पीस करके लगा देने से तत्काल खून बंद हो जाते हैं। शराब का नशा उतारने के लिए अगर किसी व्यक्ति ने ज्यादा शराब पी ली है, ये खुद का किया हुआ प्रयोग है दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा 6 ग्राम फिटकरी को पानी में घोल करके पिला दे, इससे शराब का नशा तुरंत ही उतर जाता है 10 से 15 मिनट के भीतर में। अगर शराबी ज्यादा शराब पी लें, खाना वगैरह नहीं खाएं, तो दूसरा प्रयोग करें, इसे 2 ग्राम की मात्रा में हल्का से गुनगुने पानी के साथ में पिला दें, इससे भी शराब के नशा उतर जाते हैं। अगर किसी भी प्रकार के नशीले चीज खा लें, वह भी उतर जाते हैं। और एक प्रयोग इसके हमने किए थे, एक हमारे जानकार के आदमी ने गलती से जहर खा लिए थे, तो ये काम करना, जहर को भी ये तोड़ने का काम करते हैं। तो क्या करना, आप जो है अगर किसी का जान बचाना है, जहर खा ली है, तो 3 ग्राम की मात्रा में, जी हाँ, इसे 3 ग्राम की मात्रा में आधा गिलास गर्म पानी में डाल दे, अच्छी तरह से घोल ले, और जिसने जहर खाया है उसे पिला देना है, तो ये जहर को उलगा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जहर को मुंह के माध्यम से उलगा देते हैं, यानी कि आप उनके प्राणों की रक्षा कर सकते हैं, उनकी जान को बचा सकते हैं। इसके बाद जनांगों में खुजली है, तो इसके पानी को, है ना, मतलब फिटकरी को पानी में डाल दे और गर्म कर ले, और इसे जनांगों को धोएं, तो जनांगों की खुजली मिट जाती है। घाव भरना है, तो इसे पीस करके घाव पर लगाने से जल्दी घाव भरने लगते हैं, चाहे कितना भी पुराना घाव जल्दी से भर जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर मुंह में छाले आ गए हैं, तो फिटकरी को मुंह के छाले पर लगा देने से या चूसने से तत्काल मुंह के छाले बंद हो जाते हैं। यह आने वाले नेक्स्ट वीडियो में और भी इसका फायदा बताऊंगा। चलिए एक फायदा बता देता हूँ, यह स्त्रियों में वजीना को टाइट करता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि बच्चा पैदा होने के बाद महिलाओं में के जो योनि होती हैं उसमें शीतलता समाप्त हो जाती है, ढीलापन आ जाती है, तो फिटकरी वाला पानी में अगर निरंतर 1 सप्ताह तक धोया जाए तो कसाव आता है। निरंतर अगर 15 दिनों तक धो लिया जाए तो जी हाँ, पहले जैसा टाइटपन लाया जा सकता है। आयुर्वेद की जो हमारे ग्रंथ है बहुत ही ज्यादा उत्तम है, इसमें ऐसे ऐसे हमें आयुर्वेद की जानकारी मिलती है दोस्तों, जो कि मेडिसिन दवा से संभव नहीं है। तो आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूँ, और अगर आप भी चाहते हैं कि आयुर्वेद की जानकारी आप सभी को फ्री में मिलती रहे, तो बिल्कुल आप हमारे चैनल के साथ फ्री में जुड़ करके सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल में इस प्रकार की जानकारी आप सभी मित्रों को सिखाई जाते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।